पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी न कुमाता। ये लाइनें यूपी के बलिया में उस समय गलत साबित हो गईं जब एक महिला ने रोते बिलखते अपने दो बच्चों को तकिए से दबाकर मार डाला। इसके बाद सूरत मुजफ्फरपुर ट्रेन के सामने कूदकर खुद भी जान दे दी। पुलिस के अनुसार कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। वहीं हादसे के बाद से पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ कोई झगड़ा हुआ तुम्हारे यहाँ? झगड़ा कौन करने वाला, माँ है तो बूढ़े है उसको देखा भाई नहीं बता देता। आज प्रातः 2:45 बजे लगभग थाना रसड़ा पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गढ़िया रेलवे क्रॉसिंग में एक महिला सूरत मुजफ्फरपुर साप्ताहिक ट्रेन के सामने लगभग समय 1:20 द्वारा कट गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर जब आगे की खोजबीन की गई तो ये बात स्पष्ट हुई कि ये एक विवाहिता महिला है जो गांव महतवार में रहने वाली है। ये थाना रसड़ा में पड़ता है और इनके दो बच्चे हैं, एक 5 वर्षीय बेटा विंध्याचल और एक 3 वर्षीय बेटा कल्लू। इन दोनों को उसने मारकर उसके बाद स्वयं अपनी जान दे दी है। घटना के समय उनके घर में सिर्फ उनकी एक सास मौजूद